नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चढ़चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ एवं मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने भारत के महान योद्धा वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती पर अपने रक्त से प्रताप की मूर्ति को तिलक लगाने के साथ साथ सभी सदस्यों को रक्त का तिलक लगाया और उनकी मूर्ति पर माल्या अर्पण किया। मिश्रा द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी, उसी प्रकार से हम भारतवासी भी इस वैश्विक महामारी में हार नहीं मानेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम लड़ेंगे और महामारी से विजय भी प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल रहे राकेश मिश्रा, नवीन अग्रवाल, अमर सिंह चौहान, अमित जायसवाल, द्वारिका प्रसाद जायसवाल, आकाश जायसवाल, निश्चित जायसवाल, आयुष पाठक, राकेश मिश्रा अध्यक्ष अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ एवं सदस्य मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। राकेश मिश्रा अध्यक्ष अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ एवं मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको हमने अपने रक्त से तिलक लगा करके श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके बारे में हम लोग एक बात कहना चाहेंगे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। हम लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से घिरा हुआ है, हम लोग उनके बताए मार्ग पर चल करके हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अवश्य ही विजयी प्राप्त होंगे।